हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाऊंगी चने की दाल, वो भी बिना टमाटर के। इसको हमने 2-3 घंटे के लिए भिगो दिया था। ये अच्छे से फूल गई है और ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है, कोई छोला से कम नहीं लगती है। और इसको प्रेशर कुकर में डाल के दाल को उबाल लेते हैं। ये एक कटोरी हमने दाल ली है, ये भीग के और ज़्यादा हो गई है। इसको इसमें डाल देंगे कुकर में। और अब 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 चम्मच हमने डाला है, और स्वाद अनुसार नमक। इसको पहले उबाल लेंगे। 1.5 गिलास पानी डालेंगे, 1 कटोरी दाल थी तो 1.5 गिलास पानी डालेंगे। और आपको जितनी चाहिए हो उतना भी पानी डाल सकते हैं। अब इसका लिड लगा के 5-6 सीटी लगवानी है, क्योंकि ये थोड़ा हार्ड होती है लेकिन भीगी हुई है तो ये जल्दी बनेगी। ये देखिए प्रेशर कुकर सीटी लगाने लगा है। 5-6 विसल हम लगवा लेते हैं। देखिए इसमें सीटी भी आने लगी है। और अब इसको हम उतार देते हैं। और अब इसी पे देखिए इंडक्शन पे कढ़ाई रखती है तड़के के लिए, तब तक उधर दाल ठंडा होगा, तब तक तड़का लगा लेते हैं इसका। हमने सरसों का तेल डाला है, 1 चम्मच जीरा, 2 चुटकी हींग, 1 तेज पत्ता, लाल मिर्च। लाल मिर्च तड़के में देखने में भी अच्छी लगती है। लहसुन, इनको सबको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। और इसमें हमने 2 हरी मिर्च कट करके डाली है, और ये लहसुन में हमने प्याज कट करके डाला है। प्याज से इसमें बहुत अच्छा बनता है। आप चाहें तो टमाटर डालें, हम तो बिना टमाटर के ही आज बनाएंगे। कभी कभी ऐसा होता घर में टमाटर बचता ही नहीं है, तो ऐसे भी बना के खा सकते हैं बिना टमाटर के, लेकिन ये बहुत अच्छी लगती है। इसको हमें हल्का गोल्डन ब्राउन कर लेना है प्याज को। फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए प्याज का कलर चेंज हो गया है। 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला। इन मसालों को अच्छे से अब हम भून लेंगे, इसमें मिक्स कर देते हैं। देखिए मसालों में कलर भी अच्छा आ गया है। और जो हमने दाल बॉईल करके रखी है इसी में पलट देंगे कुकर। और ये अभी थोड़ा वैसी दिख रही है, अभी इसमें भी कुछ देर पकेगी। और ये वैसे भी पानी ज़्यादा सोख करती है। अभी थोड़ा बिखरी बिखरी लग रही है। ये अमचूर पाउडर है खट्टा करने के लिए। आप यहाँ पे इसकी जगह इमली का पल्प भी डाल सकते हैं, और अगर आम का समय है तो आम भी डाल सकते हैं। थोड़ी खट्टी रहती है तो अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन हल्का सा कलर, हल्का अगर थोड़ा खट्टी रहेगी तो अच्छी लगेगी खाने में। देखिए दाल बन चुकी है। और ढेर सारा इसमें धनिया डाल देते हैं। धनिया से तो और भी देखने में भी अच्छी लगती है और खाने में भी। अभी इंडक्शन को हमने ऑफ कर दिया है, लेकिन वो इतना गर्म है तो अभी उसमें बॉयल हो रही है। और चलिए अब थाली में सर्व करके दिखाते हैं आप लोगों को। आप चावल के साथ रोटी पराठा जैसे भी खाना हो खा सकते हैं। छोले से ये कम नहीं लगती है, अगर ऐसे बनाएंगे तो बहुत अच्छी लगती है खाने में। देखिए दाल हमारी बन के तैयार है। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर करें। और हमने खीर भी बनाई है, और इसके साथ खाने के लिए हमने पराठा बनाया है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। आप लोग भी बनाइए, खाइए, इंजॉय कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।